नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है, एक्चुअली हमारे साथ दादा है। दादा का नाम हमको पता नहीं है, लेकिन इनका गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके सर मेरे पास आए थे। और बाकी क्या प्रॉब्लम था, कहाँ से आए हैं, पहले इनसे सुन लीजिए और इसके बाद मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर प्रॉब्लम पहले बोलिए। हाँ, मैं वर्धमान से आया था। मेरा ऑटोमेटिक i20 है, 2011 मॉडल। तो उसमें एक प्रॉब्लम था कि मेरा जब मैं ड्राइव मोड पे दे रहा था तब जब मैं चला रहा था तब एक हॉप हो रहा था कि बहुत बार जर्क होके फिर एक्सलेट होके चला जा रहा था। अब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें जो गियर चेंज होता है, मेरा पहले गियर चेंज होता था, लेकिन उसके बाद मतलब जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तब वो गियर चेंज बंद हो गया। एक ही गियर में स्टॉक होके वो चल रहा है और RPM जो है 60 के ऊपर RPM चला जा रहा है 3500 पे। अब मैंने इनका वीडियो देखा था कि इन्होंने एक i20 का पहले एक प्रॉब्लम दिखाया था कि एक गियर होल्ड का एक प्रॉब्लम होता है जो थर्ड गियर वाला प्रॉब्लम है, मतलब थर्ड गियर होल्ड होने का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम मुझे हो रहा है और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कहीं पे मतलब कुछ भी उपाय नहीं ढूंढ पा रहा। तो मैं चलाया वर्धमान से इनके पास और तो इतना इनको दूर दिखाया। से सर आप पहले ही क्या यहाँ पे चले आए? नहीं, मैंने गया था, मैं बहुत बार बहुत जगह पे गया था, कोई सॉल्यूशन किसी ने नहीं दे पाया। मैं मतलब फेड अप हो गया था लास्ट पे कि क्या करें यहाँ यहाँ पे पे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई भी टेक्नीशियन भाई देख रहा है मेरा ये वीडियो, तो भाई देखिए, मैं कस्टमर के साथ वीडियो बना रहा हूँ या फिर कोई और भी देख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूर दूर से मेरे पास आइए। मेरा ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं है। अगर कोई टेक्नीशियन देख रहा है और इसमें एंड में मैं दिखाया कि प्रोसेस कौन सा फॉलो करके आप भी इजीली इसको डायग्नोस कर पाते, अगर कोई दिल से चाहता इसको डायग्नोस करना तो इजीली इसको हो जाता। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो हम लोगों से भी नहीं होता है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश किया। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो उसमें डरने जैसा कोई बात नहीं है, एटलीस्ट हम लोग कोशिश कर सकते। आगे सर का गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सर कहाँ पे थे मैं तो भूल गया सर, आप मैंने टोक दिया गलती से। कोई प्रॉब्लम, मैं जिस दिन आ रहा था ना, मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया था। मैं डानकुनी तक आया, फिर मैं देखा कि फिर से हॉप स्टार्ट होने स्टार्ट मतलब हो गया था। अब मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, 9:30 हो गया था ऑलरेडी डानकुनी से। इतना इतना दूर मैं आ नहीं पाया, अगर प्रॉब्लम हो जाता तो मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं लिटरली डर के आया था उस दिन कि कैसे पहुंचूंगा एटलीस्ट सर्विस तक। अब आज मैं चलाया तो वो स्माइल है मेरे फेस पे कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व एक्चुअली हो हम गया। लोग ने ऑफिस से गाड़ी लेके फिर आया। अब यहाँ पे और एक चीज, वीडियो को मैंने 3 स्टेप में रिकॉर्ड किया। पहले जिस दिन भैया गाड़ी देके गए थे उस दिन तो मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इनको टाइम नहीं दे पाया। बोले कि सर अब गाड़ी देके चला जाइए, मैं डायग्नोस करके आपको बताता हूँ। अब मैंने डायग्नोस किया 6 बजे के बाद, क्योंकि ये सब गाड़ी में थोड़ा सा इत्मीनान से करना पड़ता है। 6 बजे के बाद मैंने डायग्नोसिस किया एक दिन, उसके बाद मैंने कंफर्म किया कि ये पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट ऑर्डर हुआ, पार्ट एक दिन आया, उस दिन का एक वीडियो है, और आज फिर मतलब 3 स्टेप में इसका डायग्नोसिस हुआ है और वीडियो में आपको दिखेगा। हो सकता है कि कहीं पे आपके देखेंगे मेरा ये दाढ़ी वाड़ी बन गया और फिर देखेंगे कि ये फिर शेव हो गया, तो ये हो सकता है। लेकिन मेरा इंटेंशन यही है, अगर एटी गाड़ी में प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे इसको डायग्नोस कर पाए, बेसिक और सिंपल से समझाए हैं। होप मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। अब गाड़ी को चला के एक बार सर का मुंह से फाइनल देखते हैं कि सर क्या बोलता है चलाते हुए। गाड़ी का जो फॉल्ट कोड आया है उसमें एक बार फिर रीड फॉल्ट कोड आया है, तो मुझे इसको इरेज करना है। क्लियर फॉल्ट कोड, ओके, फॉल्ट कोड कंप्लीट क्लियर, नो ट्रैवल कोड, ओके। इस कंडीशन में गाड़ी को एक बार चला के देखेंगे। अभी इतना सा ही हमने गाड़ी को बस चलाया। अब इस कंडीशन में सिप शॉक ऑलरेडी आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पीछे मैंने इसको जैसे ओके, और अभी हम स्कैन करेंगे इसको। ये रीड फॉल्ट कोड चलाया, ठीक है, बैक किया मैंने, फिर रिपोर्ट वोट किया, देखिए ये चलाया, ओके आया, तो ये क्लियर। अब ये जो प्रॉब्लम हम लोगों को कोड मिल गया है स्कैन करने से, तो इस कोड के अगेंस्ट हम नॉर्मली क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल अगर सोचेंगे तो इलेक्ट्रिकली इसके अंदर आता है ECM, वायरिंग,
और जो वाल्व बॉडी है वाल्व बॉडी, इसको चेकिंग का सिंपल सा प्रोसीड्योर जो है वो सिर्फ दिखाएंगे। कैमरा लेके आओ सामने। तो अभी हम लोग इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे मैं पहले लास्ट वीडियो में एक बार दिखाया था, हम यहाँ से डायरेक्टली सोलेनोइड का रेजिस्टेंस चेक कर सकते, बट इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। नया वीडियो है तो कुछ ना कुछ नया सीखना है। यहाँ से जो ECM में ये आ रहा है, यहाँ का जो आपका वायरिंग है, ये वायरिंग सोलेनोइड के थ्रू यहाँ से आके ECM में मेनली आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ECM के कनेक्टर से चेक करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेरा जो वायरिंग है वायरिंग का भी रेजिस्टेंस चेक हो जाएगा। पहले अगर सिर्फ वाल्व बॉडी में करते तो सिर्फ वाल्व बॉडी का रेजिस्टेंस पता चलता, लेकिन यहाँ से करने से मेरा वायरिंग में भी अगर कुछ दिक्कत होगा उसकी रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। और इसकी वायरिंग में आपको कौन सा पिन में अगर पता नहीं है तो आप डायरेक्टली वाल्व बॉडी से कीजिए, लेकिन मेरे पास तो डायग्राम है तो डायग्राम के हिसाब से मैं इसका जो सोलेनोइड है इसके साथ, जैसा मैंने हर बार कहता हूँ कि 3.5 रहना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के हिसाब से अभी जैसा कि मेरा गाड़ी हीट हो गया तो उसमें लगभग 4 के आसपास कुछ रहने से ठीक है, 3.9। गाड़ी थोड़ा सा अगर गर्म हो जाता है, गाड़ी अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो इतना तक रहना नॉर्मल है। ओके, ये एक सोलेनोइड मैंने चेक किया। अभी दूसरा जो जिसमें मेनली प्रॉब्लम हुआ है उस सोलेनोइड को चेक करेंगे, बी जो है। तो अभी 71 में मेरा PCSB ए था, तो 72 जो है इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आपको बस हर बार याद रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ज़रूर इसकी ग्राउंड जो है उसको खोल लीजिए बैटरी से। स्कैन करने से मुझे इस सोलेनोइड का ही कोड आया है, तो इस सोलेनोइड को अच्छे से इसकी रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर अच्छा होता है तो सोलेनोइड ठीक है। मल्टीमीटर एकदम सो गया, 3.9। ओके, तो इस तरह से हर एक जो पॉइंट है सबकी रेजिस्टेंस आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और मैंने इसको रेजिस्टेंस ऑलरेडी चेक किया, तो रेजिस्टेंस चेक करने से मुझे इसमें रेजिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं। वायरिंग के यहाँ से ही मैंने चेक किया, नीचे से चेक करके और दिखाएंगे नहीं, वीडियो लंबा होगा। अब क्या कर सकते हैं, ECM का कनेक्टर लगाएंगे और जो वोल्टेज है वोल्टेज चेक करना दिखाएं। अब हम ये वोल्टेज चेक करने के लिए इसकी जो सोलेनोइड की कनेक्शन है इस कनेक्शन में डायरेक्ट चेक करेंगे कि ECM से मेरा सप्लाई वोल्टेज प्रॉपर आ रहा कि नहीं। नॉर्मली मैं यहाँ पे जितना भी ज़रा, जैसे कि PCSB ए, अभी ए में चेक करेंगे, ग्राउंड यहाँ से भी हम ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। ओके, तो PCSB ए का जो कनेक्शन है देखिए 10.62, इसमें मेरा प्रॉब्लम कोड नहीं आया था। PCSB 2 जो है इसमें देखिए जितना, मतलब 10.1314 शो कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम है भी, कोड इसका भी इसका ही आया था। बाकी जितना भी सोलेनोइड है, यहाँ पे एक चीज़ आप याद में रखिए मेरे तरफ देखो, यहाँ पे आपको जब भी चेक करना है, नॉर्मली जितना भी सारा PCSB ए बी सी डी है उसमें 10.5 वोल्ट करके आएगा करीब, और बाकी जो लाइन प्रेशर और ऑन ऑफ सोलेनोइड है उसमें 12 वोल्टेज आएगा दोनों में, और एक ऑयल टेम्परेचर जो सेंसर रहता है उसका एक 5 वोल्ट आएगा, उसका एक ग्राउंड होगा और टोटल सोलेनोइड की ग्राउंड होगा। टोटल ये 10 कनेक्शन है। तो जैसा मैंने बताया PCSB ए बी सी डी चारों में मेरा 10.5 वोल्ट करके आना चाहिए, दो में 12 वोल्टेज आना चाहिए ऑन ऑफ सोलेनोइड और लाइन प्रेशर सोलेनोइड, और ऑयल टेम्परेचर जो है उसमें 5 वोल्ट आएगा, वो आगे दिखाते हैं। फिर मैंने ये में कनेक्ट किया 10.60, इसमें देखिए अभी देखिए 9.9697 ऐसा शो कर रहा है, फिर थोड़ा सा हाई हुआ, ये डाउन है, मतलब इसमें 10.050 रहना चाहिए मिनिमम। बाकी जो सोलेनोइड है ये 3 नंबर पिन में देखो किसका कनेक्शन है, ऑन ऑफ सोलेनोइड है, इसमें 12 वोल्टेज आ रहा है जैसा मैंने बताया। 4 नंबर जो पिन है PCSB D का है, 10.64 आ रहा है। 5 नंबर ये ऑयल टेम्परेचर का आएगा, इसमें आपको ग्राउंड कनेक्शन है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये वोल्टेज बैटरी की कनेक्शन दिखाऊं, यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्ट किया कि ऑयल टेम्परेचर की ग्राउंड लाइन है, तो मैं जैसे इसमें कनेक्ट किया पॉजिटिव में, तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट, मतलब ग्राउंड लाइन मेरा सही है। ओके, फिर इसको मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया, और ये ऑयल टेम्परेचर की पावर, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है, नियर अबाउट 5 वोल्ट। ओके, और ये सारा जो काम कर रहा हूँ, इग्निशन ऑन कंडीशन में पार्किंग में रहेगा गाड़ी,
सात नंबर ग्राउंड है, तो ग्राउंड यहाँ से मैंने ओके ग्राउंड लाइन मेरा सही है। आठ नंबर जो है पीसीएसबी सी का कनेक्शन है 10.60। नंबर नाइन लाइनर सोलिनोइड, लाइन प्रेशर सोलिनोइड, जैसा मैंने कहा था कि इसमें 12 वोल्टेज रहेगा और ऑन ऑफ में रहेगा इसमें, और जो तीन नंबर है इसमें 12 वोल्टेज रहेगा, ठीक है। नंबर टेन ये इसकी ग्राउंड लाइन है, तो इसके लिए हमको लाइन प्रेशर का ये देखिए 12 वोल्टेज शो कर रहा है, ओके। तो दैट मीन्स मेरा जो लाइन है, ये पूरा लाइन जो हमने चेक किया, तो इसमें एक सोलिनोइड में ही प्रॉब्लम, वोल्टेज थोड़ा कम मिला, 10.02 या फिर 9.99 ऐसा कुछ शो कर रहा था, जो कि पीसीएसबी बी का है और ईसीएम से सप्लाई नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस हम लोगों ने चेक किया, रेजिस्टेंस ओके, ईसीएम से सप्लाई जो दे रहा है वो थोड़ा कम दे रहा है। अब इस कंडीशन में तो एक ही चीज़ में डाउट है, ईसीएम हमको बदल के एक बार देखने होगा। फाइनली दोस्तों एक हफ्ता बाद मेरे पास इसके जो ईसीएम सस्पेक्ट था, तो वो ईसीएम आ गया है और अभी हम इसकी जो ईसीएम है इसको चेंज करेंगे। ईसीएम देख सकते हैं इसकी प्राइस लगभग 35,322 रुपीज़ है। एक्चुअली इतना बड़ा आइटम ऑर्डर करने से पहले कई बार हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत मतलब श्योर ना हो के ऐसा पार्ट ऑर्डर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे डाउट था कि इसकी ईसीएम में प्रॉब्लम है, तो ये कंफर्म होने के लिए पहले इसको खोलो, पहले इसको छोड़ दो, पहले इस पार्ट को खोलो। और ईसीएम इसमें फिटिंग करते हैं, कटने के बाद देखते हैं कि फाइनली जो हम लोगों ने सोचा था, जो ट्रबल हम लोगों को मिल रहा था वो अभी हो रहा कि नहीं। इसको पहले खोल लो, हाँ स्टैंड नहीं है। हेलो, तो अभी फाइनली गाड़ी को कोडिंग वोडिंग कर दिया और स्टार्ट करके देखेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो, अभी गियर शिफ्ट करके आर में लाओ। अभी देखिए गाड़ी जैसे आर में लाया, कुछ भी इसमें पहले जो हो रहा था कुछ भी ऐसा नहीं है। डी में दो, अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है और इस कंडीशन में पहले फिर एक बार पार्किंग में दो, आर में दो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कुछ भी पहले जैसा जार्किंग तो है ही नहीं। अब गाड़ी को एक बार फाइनली रोड टेस्ट करेंगे और रोड टेस्ट करने के बाद एक बार कंफर्म करेंगे कि आखिर गाड़ी की जो गियर बॉक्स है उस साइड में कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं। वैसे मेरा पहले कोड आ रहा था, अब गाड़ी को रोड टेस्ट करने के बाद एक बार कोड भी चेक कर लेंगे। तो अभी गाड़ी को मैंने लगभग 20 किलोमीटर चलाया और इस कंडीशन में अभी मैं इसकी स्कैन करता हूँ TCM। अब यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड यहाँ पे देखिए नो ट्रबल कोड शोइंग ओके बैक। अब इसकी चाहे आप डेटा देख सकते हैं, तो डेटा में आप जाके इसकी ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। अब ओके कर दिया मैंने इसको। अभी यहाँ पे देखिए करंट जो गियर पोजीशन पी और एन दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे मेरा इंजन RPM जीरो है ओके, स्टार्ट नहीं है गाड़ी। इस कंडीशन में ये गियर लीवर को जैसे ही हम पी से डी पे देंगे, अभी मैंने इसको डी पे दिया, इस कंडीशन में देखिए जो करंट गियर पोजीशन है ये थ्री शो कर रहा है, ये देखिए थ्री शो कर रहा है ओके। तो ये आपके जानकारी के लिए मैं बस आपको कह रहा हूँ कि ये जब भी चेक करना है आपको स्टार्ट कंडीशन में चेक करना है। मैंने इसको पी में देखे फिर गाड़ी को स्टार्ट किया और स्टार्ट कंडीशन में इसको मैं फिर डी पे दिया ओके। अब देखिए डी पे देने पे यहाँ पे जो करंट गियर का पोजीशन है वो 1 दिखा रहा है और इंजन RPM दिखा रहा है। प्रॉब्लम कंडीशन में ये मेरा 3 शो कर रहा था प्रॉब्लम कंडीशन में ओके। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम जब था तो यहाँ पे 3 शो कर रहा था, ये बस आपकी जानकारी के लिए। अभी एक्चुअली सर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम लोगों ने तो बहुत देख लिया, अब सर एक बार कैसा लग रहा है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरा फीलिंग, लाइक ये एकदम प्रॉपर एक ठीक हो गया है लाइक ओके डोंट वरी सर। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए प्रॉब्लम तो सिर्फ आपका जो गियर
शिफ्ट शॉक वाला प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, इसमें और एक चीज होता है, आपका माइलेज भी घट जाएगा, आप सडन एक्सीलरेटर कर नहीं पाएंगे, आपका गाड़ी जैसे ही आप ओवरटेक कर जाएंगे तो आपका मन में एक डर रहेगा, तो ये बहुत सारा चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगा। अगर गाड़ी में कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो गाड़ी चलाते हुए मजा नहीं आएगा। अभी जो स्माइल हम यहाँ से देख रहे हैं तो मुझे ये स्माइल देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ प्रॉब्लम मेरा मैंने सॉल्व करके एटलीस्ट, मुझे यही मेरा सेटिस्फेक्शन है बस। थैंक यू।